सिनेमेटिक पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। सो चलिए आपको करते हैं इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना। सो यार गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी जस्ट उठा हूँ मैं और अभी मैं आ गया इंट्रो शूट करने के लिए, स्लैब पर आ गया हूँ मैं। सो चलिए अभी मिलते हैं, यानी से नीचे मिलते हैं और थोड़ी मस्ती और मज़ा करेंगे। और अनिस ने न्यू कार भी लाया तो उसी के साथ खेल रहा है। सो चलिए अभी चलते हैं नीचे और उसके साथ खेलते हैं और मस्ती करते हैं। फिर चलिए चलते हैं अभी फिलहाल। सो गाइस अभी हम अनिस के पास आ चुके हैं और ये क्या बोल रहा है, आराम से चला। और अनिस की तबीयत ख़राब है। अनिस क्या हो गया तुझे? दिन से दिन भर ये कार चलाता है और पूरा कचरा करके रखा है अनिस ने। और ये कार तो तोड़ डाली है, ये लाए थे एक, इसका तो चक्का तोड़ डाला है, इससे तबीयत ख़राब हो चुकी है इसकी। अरे एक मिनट देखिए, इसे कान नहीं आ चुके, ये यहाँ पे एक है और इधर की साइड भी होती है। इधर की साइड की दिखा अनिस, इधर की साइड मतलब लगाए वाला है हमने ये यहाँ पे, इसके पूरे अंदर तक है। करके अनिस बाहर नहीं निकल सकता। अनिस के गोलगप्पे खाना बंद, अनिस के गुपचुप का चैलेंज बंद। आप गुपचुप का चैलेंज कौन करेंगे डबल से? तू करेगा क्या? तेरी तबीयत खराब है ना तू? कब करने का तू? ठीक कब करने का बोल? अभी कैसा करेंगे? देखो उसका रिबोट की कार रोबोट बनने वाली, इसका आपका आपने इसका ब्लॉग देखा ही होगा जरूर से, बहुत ही मस्त सा ब्लॉग था। सो गाइस अभी हम स्लैब पर आ गए हैं और अनिस देखो कहाँ पे बैठा है, कहाँ बैठा है, और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप बादल कितने गहरे हो चुके, बहुत ही ऑसम लग रहा है। और ओ बारिश शुरू होने वाली है आप लगता है ना, और इसे बीमार है, चल नीचे हो जाती है। देखिए बारिश शुरू हो चुकी है अभी। ओ माय गॉड, मैं अच्छा सिनेमेटिक लेने के लिए आया था लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है। ये जा रहा है इसका दोस्त और ये अनिस, तो चलिए चलते अभी। सर गाइस हम फिर से स्लैब पर आ चुके हैं और अभी पानी भी रुक चुका है, कुछ ही पानी आया था। तो अभी हम स्लैब पर आ चुके हैं और अभी लेते हैं कुछ सिनेमेटिक, बहुत ही मस्त निकलते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, सो उसे भी करते हैं। सो चलिए अभी सिनेमेटिक लेते हैं। तो गाइस आप ज़रूर से बताना आपको सिनेमेटिक कैसा लगा, बहुत ही मस्त तरीके से बनाया। और सिनेमेटिक पसंद आएगा होगा तो लाइक कर देना। सो चलिए आप वो करते हैं, इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आपको पता ही होगा कि अभी अग्निपथ करके एक स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, जो आर्मी के स्टूडेंट के लिए थी, वो तैयारी कर रहे थे उसके लिए। सो आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में स्टूडेंट आज बाहर निकल चुके हैं। आप अपना सजेशन बताना कि सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर वो आगे चल के फिर क्या करेंगे, अगर वो 4 साल की वो ड्यूटी करेंगे फिर उसमें से आधे तो वो बाहर कर देने वाले, फिर आगे चल के वो क्या करेंगे? अगर उनको पैसे भी मिल रहे तो कब तक पूरेंगे भाई? आपको पता है अब पैसे किसके पास आते हैं तो किसके पास लालच आ जाता है ज़्यादा, फिर वो घर बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे ना, तो आगे चल के फिर उसको कुछ नौकरी तो मिलने होना ना। अगर सरकार इस पर कुछ लागू कर दिए, मतलब उसे कुछ देती है, अगर उसे पुलिस में जॉब मिल जाए और कई हर जगह उसे जल्दी जॉब मिल जाए तो फिर इसके लिए वो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ वो फिर गलत है मेरे हिसाब से। सो आप सिनेमैटिक आप कैसा लगा ज़रूर से बताना, और इस पर भी आप कमेंट करना कि आपको अग्निपथ स्कीम अच्छी है या फिर बुरी है, आप इस पर कमेंट करना, आपका सजेशन बताना। मेरा तो सजेशन यही था। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, छोटा सा व्लॉग था, तब तक के लिए बाय। और अभी अनिस है घर पे, उसकी तबीयत ख़राब है, सो व्लॉग थोड़ी मतलब एक दो दिन बाद आएंगे। सो तैयार रहना और इसी तरह भाई को सपोर्ट करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।